और अब रुख करते हैं पलवल का, जहां पर एनजीटी के आदेशों की अनुपालना करने के लिए होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल के संचालकों और जिला अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने की। बैठक में सभी संचालकों को जल्द से जल्द एनजीटी के आदेशों की अनुपालना करने के सख्त आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी और होटल संचालक मिलकर एनजीटी के आदेशों की पालन कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए काम करें। जिला के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल के संचालकों द्वारा एनजीटी के आदेशों के अनुपालन को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। आदेशों का पालन करके पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखा जा सकेगा। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी विजय चौधरी ने कहा कि पलवल जिले में करीब 34 होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट हैं और बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, जो कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसमें जी एक एनजीटी में मैटर है, होटल, ढाबे, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, इनको कवर करने के बारे में आदेश दिए गए थे और इनको नियमों के तहत गाइडलाइंस इशू करनी थी भी इन्हें चलाना कैसे, तो उसके उसी संबंध में इनके जो भी इनके दिक्कतें हैं सारी कंप्लाइंस करने के लिए उसकी मार्गदर्शन के लिए आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। प्रॉब्लम सीडी सर ने सुनी है और उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करके, जिसको कि जो जो प्रॉब्लम है सारी बाय वन मतलब सबसे अलग अलग पूछी है और उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करी है। तो क्या मुद्दे थे ऐसे जिनको लेकर बैठक की गई है? मेन कंसर्न सबका यही था कि एनओसी और सीएलयू के रिगार्डिंग लैंड डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे लोगों के, क्योंकि कमेटी और डीटीपीयू के चक्कर में वो एक्सटेंडेड लिमिट्स है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट है सबको कि कैसे होगा। ये इश्यूज थे मेन जो क्लियर आउट कर रहे हैं।